कैसी लगी आपको फिल्म? भाई हम तो मंत्रमुग्ध हो गए, हमारे पास शब्द ही नहीं कहने के लिए। बहुत ही अच्छा, मतलब जो कैरेक्टराइजेशन है या मूवी की सिनेमेटोग्राफी है या डायरेक्शन है ओम राउत का, बहुत ही बढ़िया है। और हैट्स ऑफ टू ओम राउत फॉर डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले। और सभी किरदार, भले वो प्रभास की इंटेंस लुक हो या स्टांस हो वॉरियर का, या उनकी डायलॉग डिलीवरी हो, बहुत बढ़िया है। कृति सैनन लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, एलिगेंट एंड ग्रेसफुल। और सनी सिंह बहुत अच्छा है लक्ष्मण के रोल में, या फिर देवदत्त हनुमान के रोल में। और बहुत सारे सीन्स ऐसे जैसे वानर सेना की जो सेकेंड हाफ में लड़ाई दिखाई है, या वो जड़ी बूटी लेके आते हैं पूरा पहाड़ उठा के ले आते हैं, या फिर वो शबरी के पास जब बेर खाते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हैं, गूसबम्स देने वाली सीन्स। और ये बोल सकते हैं कि मॉडर्न ईरा में इट हैज़ बीन इमॉर्टलाइज्ड ऑन द सेलुलॉइड। तो बहुत ही इंप्रेसिव डायरेक्शन है, बहुत ही इंप्रेसिव स्क्रीन प्ले है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टराइजेशन है। कार्तिक पलानी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, एडिटिंग बहुत बढ़िया है, कहीं भी आप बोर नहीं होंगे। अपूर्व और आशीष की, अजय अतुल का म्यूज़िक गूसबम्स देने वाला है, संचित बलारा का बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच। अगर हम बात करें पुरानी रामायण, रामानंद सागर की और इससे उसकी तुलना की, तो आप किस तरह? देखिए वो उस टाइम में रेलिवेंट थी, उस टाइम में जब था बहुत ही सिंप्लिसिटी थी, लेकिन उस टाइम में भी उन्होंने जो स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह यूज़ किए वो काबिले तारीफ थे। लेकिन आजकल के हिसाब से जैसे आज VFX का ईरा है, तो वही सीन्स को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए जो VFX यूज़ किए गए हैं, मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए, इम्पेकेबल। जो लोग ट्रोल कर रहे थे, जाके देखिए आप, कि आप इतना ट्रोल कर रहे थे, जाके आप देखिए 3D effects। 3D effects तो वन ऑफ द बेस्ट इन माई लाइफ। आई एम गोइंग टू बी 44 ईयर्स मैंने पूरे वर्ल्ड के सारे फिल्म फेस्टिवल अटेंड किए, ऐसे VFX मैंने नहीं देखे, स्पेशली इन बॉलीवुड। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ये इतना मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस मिला, और इसका थैंक्स मैं ओम राउत को बोलना चाहूँगा। और ये प्रभास की हैट्रिक हो जाएगी आफ्टर बाहुबली 1 और 2, 1000 करोड़ से ऊपर वेरी इजीली, इट विल बी अ मेगा ब्लॉकबस्टर। ठीक है, आप ये बताइए कि प्रभास को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? प्रभास को मैं यही बोलूँगा कि वो कम शब्दों में भी, जो डायलॉग डिलीवरी करते हैं वो तो इम्पैक्टफुल होती है, बट कम शब्दों में भी वो इंटेंस लुक में सिर्फ उनकी एक नज़र ही काफ़ी है। और मतलब बहुत ही बढ़िया, मतलब आई डोंट थिंक एनीबडी एल्स कुड हैव डन द रोल सो वेल, सो इफेक्टिवली, सो एफिशिएंटली। तो हैट्स ऑफ टू हिम। और इवन सीता जी के रोल में भी कृति सैनन की बहुत डायलॉग्स नहीं है, बट द वे शी स्टैंड्स एंड वो अदा और वो और फिर उस युग की भव्यता, उस युग का जो संपन्नता वो जो दिखाई गई है, वो भी बहुत काबिल तारीफ है। बताइए आप इसको फाइनल वर्डिक्ट क्या देंगे और कितने स्टार? फाइनल वर्डिक्ट इट्स अ ब्लॉकबस्टर। सैफ अली खान का भी रोल बहुत अच्छा है रावण का, सिर्फ उनकी लुक और अच्छी हो सकती थी, तो उसके लिए 0.5 स्टार मैं लूंगा, वरना 4.5 डेफिनेटली ओवरऑल। थैंक यू।